नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण देवर्मन नक्सल। दोस्तों, आज हम सबवेंशन स्कीम के बारे में बात करेंगे और सबवेंशन स्कीम आपके लिए किस तरह के खतरे पोज करता है उसके बारे में बात करते हैं। बिल्डर्स कई बार आपको लुभाने के लिए, आपको ललचाने के लिए इस तरह के स्कीम्स ऑफर करते हैं। ये स्कीम्स को वो 1090 कहेंगे या 595 कहेंगे या 2080 कहेंगे, ऐसे कुछ कहते हैं। तो वो कहते हैं, सर ऐसा है 10% अब दे दो, 90% आप अमाउंट जब बिल्डिंग पोजेशन के लिए तैयार हो जाएगा ना, तब आप 90% का पेमेंट कर देना एक साथ। तब तक आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो बंदे को बहुत आसानी फील होता है क्योंकि वो कहता है, यार 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ के प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ने वाला है, ये कह रहे हैं पोजीशन हमको मिलेगा 3-5 साल के बाद। तो इसका मतलब कि तीन या पांच साल के लिए मुझे अब फंड्स के बारे में सोचना नहीं है। प्राइसेस बढ़ेंगे, अगर प्राइसेस बढ़ेंगे उस समय लेने जाऊंगा रेडी पोजीशन में तो महंगा होगा, आज मुझे मिल रहा है सस्ते भाव में मिल रहा है, मान के चलते हैं 1 करोड़ में मिल रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन 1 करोड़ के लिए मुझे 10 लाख देना पड़ रहा है। प्रॉब्लम क्या है? 10 लाख दे दो, शांति से सो जाओ, 5 साल के लिए सो जाओ, 5 साल के बाद बिल्डर आपको पोजीशन दे रहा है। जब पोजीशन दे रहा है तब मैं लोन ले लूंगा, मैं प्रॉपर्टी का पोजीशन भी ले लूंगा, प्रॉपर्टी का वैल्यू भी बढ़ गया होगा, अगर मुझे बेचना है तो मैं बेच दूंगा, प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है अप्रिशिएट हुआ होगा, तो 1 करोड़ की चीज तभी मुझे 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ मिले, मैं बेच पाऊंगा, तो ठीक है ना। तो आज मैं जो खरीद रहा हूं, आज के रेट्स को मैं लॉक कर रहा हूं और आगे चल के मुझे फायदा ही फायदा है। लोग इस तरह से सोचते हैं। लोगों को जो मेन इसका ये स्कीम का वर्किंग क्या है उसके बारे में वो लोग ज्यादा सोचते नहीं है। बिल्डर ब्रोशर वगैरह में इतना ही समझाएगा, उससे ज्यादा कुछ समझाता नहीं है। आगे चल के आपके साथ क्या होने जा रहा है वो उसके बारे में आपको पता नहीं है। अब बिल्डर कहता है, सर पहले आप 10% दे दो, आप 10% दे देते हो, बिल्डर बायर अग्रीमेंट कर लो, आप कहते हो ठीक है 5 साल के बाद पोजीशन है, बिल्डर बायर अग्रीमेंट भी कर लेते हैं, आपको सुरक्षित महसूस हो रहा है, आप बिल्डर बायर अग्रीमेंट कर लेते हो। बिल्डर बायर अग्रीमेंट में ये 1090 का स्कीम बताया नहीं गया है, कुछ भी नहीं है उसके बारे में, सिंपल बिल्डर बायर अग्रीमेंट है, टोटल कंसिडरेशन वैल्यू है और अग्रीमेंट में यह तक लिखा होगा कि जब जब बिल्डर डिमांड रेज करेगा स्लैब वाइज तब तब आप पेमेंट करोगे, और वो स्लैब वाइज कंस्ट्रक्शन के बारे में बात किया होगा, यानी कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, या फिर एक शेड्यूल दे दिया होगा और शेड्यूल में लिखा होगा 6 महीने के बाद मैं 5% लूंगा, 1 साल के बाद मैं और 5% लूंगा, उसके बाद मैं 10% लूंगा, वगैरह वगैरह। तो एक शेड्यूल दे दिया होता है, ये अग्रीमेंट में लिखा होता है। अब आप अग्रीमेंट पढ़ते नहीं हो, आप कहते हो हाँ यार प्रॉब्लम क्या है? बिल्डर कहता है, डोंट वरी सर, मैं आपको ईमेल में लिख के दे रहा हूं, हमारे एमडी से ईमेल करवा दूंगा मैं आपको कि आपको 1090 स्कीम में ही पेमेंट डिमांड करेंगे, आपको ये सब डिटेल्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आप ये जो अग्रीमेंट है अग्रीमेंट के बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये सब हमारा फॉर्मेलिटी है सर, डोंट वरी। आप ऐसे सोच के शांत हो जाते हो, आपको कोई चिंता नहीं है।
आप चिंता को छोड़ देते हो क्योंकि आप कहते हो बिल्डर मुझे अश्योरेंस दे रहा है। बिल्डर के स्टाफ सभी 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, कोई कहेगा मैं सीनियर हूं, कोई कहेगा मैं बहुत सीनियर हूं, सब लोग आपको कन्विंस कर रहे हैं कि सर निश्चिंत रहिए 5 साल के पहले आपसे फंड्स नहीं लेंगे, आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा सर, आप क्यों फिक्र कर रहे हो। जब आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन हम डाल ही नहीं रहे हैं तो लोग इस तरह के प्रोजेक्ट्स में चले जाते हैं और वो लॉन्ग रेंज का प्रिफर करते हैं, 3 साल के बाद 5 साल के बाद पोजीशन मिलेगा तब फाइनेंशियल बर्डन आएगा, लेकिन 5 साल के लिए मैं कमा रहा हूं ना, मेरी सैलरी बढ़ेगी, मेरी करियर में तरक्की होगी, मेरे पैसे बढ़ेंगे, मेरे पैसों में भी बढ़ोतरी होगी, तो इस तरह के सारे लॉजिक लोग चलाएंगे और कहते हैं अरे बिल्डर इतना अश्योर कर रहा है कि 1090 स्कीम है उसने कहा है, और वो कह देंगे सर प्रूफ, हम आपको कह भी देंगे सर 1090 स्कीम में आपने लिया है, आप क्यों डर रहे हो। शायद अग्रीमेंट में डाल भी देंगे बॉट अंडर 1090 स्कीम, उसके डिटेल्स नहीं आने वाले हैं, लेकिन बॉट अंडर 1090 स्कीम ये भी कह देंगे, चलो फिर भी आपको खतरा है क्योंकि ये 1090 स्कीम किस तरह से वर्क करता है, वो करेगा क्या, बिल्डर आगे चल के क्या करने वाला है ये आप जानते नहीं हो। आगे चल के होता ये है, आपने 10% डिसबर्समेंट पहले दे दिया, आपने अग्रीमेंट कर लिया, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन बिल्डर बायर अग्रीमेंट जिसे कहते हैं वो कर लिया, अब आप शांत बैठे हो। अब आगे चल के बिल्डर के लोग 1 या 2 महीने के बाद कहते हैं सर आप बैंक लोन ले ही रहे हो ना, आप बैंक लोन ले लो और डिसबर्समेंट करवा लो। डिसबर्समेंट, लेकिन आपने कहा था मुझे बाद में पैसे देने, सर आपके ऊपर कहां लोड पड़ रहा है, आप पैसों को डिसबर्समेंट करवा ही लो। और डिसबर्समेंट करवा के यानी जो भी है 20% 30% स्लैब वाइज, और आप अग्रीमेंट में देखिए सर ये लिखा हुआ है कि आप पेमेंट्स करोगे रेगुलर बेसिस पे जैसे जैसे डिमांडेड है। आप कहते हो ठीक है, लेकिन मैं फंड्स अगर डिसबर्समेंट करवाऊंगा तो मेरे ऊपर ईएमआई का बर्डन आएगा। वो कहेंगे नहीं 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 सर, डोंट वरी, आपको ईएमआई पे करने की जरूरत नहीं है, हम प्री ईएमआई पे कर रहे हैं। अब ये प्री ईएमआई क्या होता है, प्री ईएमआई मतलब इंटरेस्ट, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट का रिपेमेंट का बर्डन क्या है, मेन तो इंटरेस्ट है ना, प्रिंसिपल अमाउंट को रिपे करने का काम आप ही का है, हम वो नहीं करेंगे, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो इंटरेस्ट हम भरेंगे। आप कहते हो ठीक है, आप फंड्स डिसबर्समेंट करवा लेते हो, मान के चलते हैं कि आपने 20 लाख का लोन डिसबर्समेंट करवा लिया उनके डिमांड के हिसाब से, यानी आप 10 लाख दे के बैठे हो प्लस 20 लाख का लोन डिसबर्समेंट हो गया। अब बैंक के तरफ से डिमांड आना शुरू हो जाता है ईएमआई के लिए। कई बार ऐसे होता है कि ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट भी साइन होता है बिल्डर के साथ, कई बार ऐसे होता है कि किसी कारण से वो ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट नहीं करना चाहते हैं, यानी बिल्डर का अग्रीमेंट अलग बैंक का अग्रीमेंट अलग, उसको जोड़ते नहीं है। अब ये दोनों केसेस मैं आपको बाद में समझाता हूं, लेकिन दोनों केसेस में एक चीज कॉमन है और वो कॉमन क्या है कि लोन देने की जिम्मेदारी, लोन रिपे करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप बोरोअर हो, बिल्डर वो अग्रीमेंट में सिग्नेटरी हो ना हो लेकिन बोरोअर आप ही हो, उस कर्ज को चढ़ाया जा रहा है आपके सर पे, बिल्डर के सर पे नहीं चढ़ाया जा रहा है, और
अगर किसी तरह के प्रोसीडिंग्स होने हैं वो आपके ऊपर होने हैं, लोन रिकवरी के जो भी प्रोसीडिंग्स होते हैं वो आपके ऊपर होने, बिल्डर के ऊपर नहीं होने। वो कहते हैं आप पेमेंट करिए, ये प्री ईएमआई तो प्री ईएमआई आप पेमेंट करिए। अब आप बिल्डर से कहते हो आप पेमेंट करिए, बहुत बार ऐसे होता है बिल्डर कहता है एक काम करते हैं मैं पेमेंट आपको दूंगा, यानी फ्लैट बायर को दूंगा, आप वो पेमेंट बैंक को दे दो। तो आप कहते हो ठीक है। अब इसमें एक और चाल चल लेता है बिल्डर। बिल्डर कहता है देखो आपने मुझे 20 लाख डिसबर्समेंट दिया है, अब उसने कहीं ना कहीं एक छोटा सा क्लॉज डाल दिया होगा, आपने एग्रीमेंट साइन भी नहीं किया है उसके साथ, आपने शायद सबवेंशन का किसी तरह का एग्रीमेंट भी साइन नहीं किया है, सबवेंशन के लिए कोई पेपर वर्क नहीं होगा, या फिर अगर है भी एमओयू टाइप का कुछ हो भी सकता है, और अगर है तो उसमें वो लोग फाइन प्रिंट में डाल देते हैं कि अप टू सो एंड सो ईयर, उनका पोजीशन डेट 5 साल आगे है, यानी 2028 दिसंबर में वो आपको पोजीशन देने वाले हैं, तो वो लिख देते हैं कि वी विल गिव यू इंटरेस्ट अप टू 31st December 2028 और पोजीशन एक्चुअल पोजीशन ऑफ द फ्लैट विच एवर इज सूनर। मतलब अगर पोजीशन डिले हो गया 2028 से 2029 पे चला गया तो वो जो उनका जो लास्ट डेट है इंटरेस्ट देने का वो 2028 है। फिर वो कहते हैं चलो हम आपको इंटरेस्ट ना 20 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट है हमने कैलकुलेट कर दिया कि 2028 दिसंबर तक आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट क्या है और हम आपको दे देते हैं, अभी दे देते हैं लमसम, हम आपको लमसम पैसे दे रहे हैं। तो भाई दिक्कत क्या है? दिक्कत इस बात की है, पहला ये प्रॉब्लम है कि वो लोग कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 9% या जो आपका प्रेजेंट रेट है। अक्सर ऐसे होता है कि होम लोन पे बैंक्स रेट बढ़ा देते हैं, 9% पहले पहले करते हैं, उसके बाद 10% और 11% हो जाता है, शायद उससे भी ज्यादा हो जाता है। जब वो रेट्स बढ़ाएंगे उसका कॉम्पेंसेशन आप बिल्डर से नहीं मांग सकते हो, यानी वो 2% या जो भी डिफरेंस है वो आप अपने पॉकेट से डालोगे। अब बिल्डर ने आपको पैसे दे दिए कैलकुलेशन करके, अब वो कैलकुलेशन करते हैं तो एक और कैलकुलेशन उसके अंदर जोड़ देते हैं। वो कहते हैं देखो सर हम आपको लमसम दे रहे हैं अप टू डिसंबर 2028, लेकिन जब हम पैसे दे रहे हैं तो आप उन पैसों पे, सारे के सारे पैसे आप बैंक को तो नहीं दे रहे हो ना, तो आप उस पर इंटरेस्ट कमा रहे हो, तो हम उसमें से इंटरेस्ट एडजस्ट कर रहे हैं, तो हम इंटरेस्ट को एडजस्ट करके एक अमाउंट दे रहे हैं, यानी कि 9% के हिसाब से भी गणित करके नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं उससे कम हम दे रहे हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऐड होके 9% होगा और हम आप ईएमआई बेयर करो। इस तरह का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड गणित करके वो आपको लमसम दे सकते हैं। बेस्ट केस सिनारियो आपका क्या है कि वो आपको लमसम देते हैं। वर्स्ट केस सिनारियो क्या है? वर्स्ट केस सिनारियो यह है कि वो आपको देते ही नहीं, आप परेशान हो जाओगे उनसे मांग मांग के कि भाई मेरे, मैंने आपको 20 लाख का डिसबर्समेंट दिया है, आपने मुझे उसके लिए, आपने बैंक को प्री ईएमआई नहीं दिया है और बैंक वाले मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, मुझे कॉल्स आ रहे हैं कि आपने ईएमआई भरा नहीं है, आप ईएमआई मिस कर रहे हो। वो कहते हैं सर दे दो आप, हम दे रहे हैं, आप दे दो ना मीनवाइल। अब आप प्री ईएमआई अगर दोगे यानी कि इंटरेस्ट अमाउंट ही दोगे तो आपको ये जान लेना चाहिए कि इंटरेस्ट अमाउंट के साथ में जब प्रिंसिपल अमाउंट जुड़ता है ना उसमें और इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं होता, यानी मोस्ट ऑफ इट इज इंटरेस्ट, बट एक छोटा पार्ट होता है लाइक अगर आपका 10,000 का ईएमआई आ रहा है, मैं एक इमेजिनरी फिगर दे रहा हूं, 10,000 का अगर ईएमआई आ रहा है तो 9,000 या 9,500 सिर्फ इंटरेस्ट रहेगा और 1,000 या 500 का आपका
प्रिंसिपल अमाउंट रिपेमेंट होगा, उस तरह से बहुत ही छोटा सा स्लाइस रिपेमेंट होता है। लेकिन अगर आप वो पे नहीं करते हो, तो सिर्फ अगर 9,500 पे कर रहे हो तो आप 10,000 क्यों नहीं पे कर रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट भी दे दिया करो ना। तो आपके सामने एक दुविधा आ जाती है, आप ही अगर पे कर रहे हो तो आप कहोगे ठीक है तो मैं प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर लूं, तो आप ईएमआई पे करना शुरू करते हो। वर्स्ट के सिनेरियो ये होता है, बिल्डर आपका पेमेंट रोक देता है, वो आपको इंटरेस्ट का जो रीइंबर्समेंट है वो देना बंद कर देगा। कर लो जो करना है, जाओ जिधर जाना है, आपको कौन से कोर्ट में जाना है चले जाओ, वो आपसे डिमांड रेज करेगा। आप अगर डिसबर्समेंट नहीं दोगे तो आपका वो कहेगा मैं आपका अग्रीमेंट कैंसिल कर रहा हूं, तो अग्रीमेंट कैंसिल तो खतरा है, तो आप वो नहीं कर सकते हो। आप क्या करोगे, आप डिसबर्समेंट के लिए बैंक से कहोगे। बिल्डर प्री ईएमआई नहीं देता है, जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार आप हो, जिम्मेदारी आपके कंधे पे है, आप हो बोरोअर, तो आप सबवेंशन कह के नॉर्मल वाले टेंशन वाले काम में चले ही गए। अंडर कंस्ट्रक्शन का जो रेगुलर टेंशन होता है कि लोन डिसबर्समेंट करो, पेमेंट करो, वहां पे तो आप पहुंच ही गए। आपके सामने विकल्प क्या है, कोर्ट में जाओ, जाओ कोर्ट में। रियलिस्टिक है विकल्प? बिल्कुल नहीं। कोर्ट में जाना, हाथ पैर मारना कोई काम का नहीं है, टेंशन है। ये आप 1090 में पढ़े थे क्योंकि आपको टेंशन से मुक्त होना था, लेकिन यहां पर आपके सर पे और टेंशन लाया जा रहा है। अच्छा, और एक प्रॉब्लम है, सबवेंशन स्कीम में जो प्रॉपर्टीज बेची जाती हैं वो हमेशा विदाउट सबवेंशन से महंगे। फॉर एग्जाम्पल, 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है तो बिकॉज सबवेंशन है वो 1,10,000 में बेचा जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसे इसलिए क्योंकि बिल्डर कह रहा है मुझे कहीं से तो कवर करना ही है ना, मुझे कहीं से तो इंटरेस्ट दे रहा हूं वो कवर करना है, तो वो अपने आप को सेफगार्ड कर लेता है। आपसे 1,000,000 ज्यादा ले लिया उसने। अब आप अगर एक बार बैठ के गणित करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये यहां पे मेरे फायदे में नहीं ये हो रहा है, बिल्डर के फायदे में सौदा हो रहा है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने 1,10,000 में ले ली क्योंकि सबवेंशन, उसने कहा 1090, आपने मान लिया, आपने ले लिया। चलो मान के चलते हैं कि बिल्डर ने एमओयू साइन किया है, आप उसको लेके कोर्ट में गए। पहली बात है, बिल्डर से पंगा कौन लेता है? किसी को पसंद नहीं है कि आपका फ्लैट बिल्डर के पास है, आपने ऑलरेडी 30 लाख डिसबर्स कर डाले हैं, आप यानी आपका पूछ बिल्डर के नीचे फंसा हुआ है, आप उसके साथ लड़ने बैठोगे? मोस्टली लोग ऐसे काम नहीं करते हैं, वो घबराते हैं। मान के चलते हैं कि आप करोगे तो बिल्डर आपको बहुत परेशान कर सकता है, वो डिमांड पे डिमांड भेजना शुरू कर देगा। वो डिमांड आप अगर पे करोगे तो डिसबर्समेंट होगा, डिसबर्समेंट होगा आपके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ जाएगा। आप पे नहीं करोगे वो आपको कैंसलेशन के नोटिसेस भेजना शुरू कर देगा, वो कहेगा देखो भाई मैं अभी डील कैंसिल करने जा रहा हूं। आप घबरा जाओगे, आप कहोगे यार तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, उसने वो कैंसलेशन का एक नोटिस किया, वो बोल देगा कि मैंने टर्मिनेट कर दिया, जाओ आपका टर्मिनेट। मतलब जो एक ट्रैक पे चलना चाहिए, अब वो जो सौदा है वो हर जगह जा रहा है ट्रैक छोड़ के, आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप परेशान, बिल्डर के डिमांड्स आ रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं, इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। और ऐसे सिचुएशन में कोई भी कंफ्यूजन में अफरा तफरी में जो ताकतवर है उसकी जीत होती है और जो कमजोर है वो अक्सर हारता है। अफरा तफरी में कभी भी कहीं भी किसी भी सिचुएशन में जो ताकतवर है वही जीतेगा। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर जहां पे रहता है, कायदे कानून से जब मामले चलते हैं वहीं पे कमजोर आदमी यानी कि आप
फ्लैट बायर जीत सकता है या उसको फायदा हो सकता है या कम से कम उसका नुकसान, वो नुकसान से बच सकता है। तो यहां पर अफरा तफरी होने वाला है, कंफ्यूजन होने वाला है, फुल ऑन कंफ्यूजन, झगड़ा, केसेस, लेटरबाजी, आप ईमेल लिखोगे, वो जवाब लिखेगा, वो डिमांड लगाएगा, वो टर्मिनेशन नोटिस भेज देगा, आप परेशान हो जाओगे। तो सबवेंशन स्कीम या 1090 स्कीम कहकर लोग, बिल्डर्स आपको इस तरह के परेशान होने वाली स्थिति में लेके आते हैं। अब और एक सिनारियो है, इसमें कई सारे सिनारियोज हैं, हाउ थिंग्स कैन गो रॉन्ग, एक नहीं अनेक है। तो एक मैंने ये आपको समझा दिया, एक और समझाता हूं। कई बार ऐसे होता है कि जो बैंक है वो बैंक अचानक से कह देगा कि देखो भाई ये हमको ये ठीक नहीं लग रहा है, ये लोन क्लोज कर दो। अब 1090 स्कीम वाली बात नहीं रही, अब पूरा जो लोड है, जो टेंशन है, जिसको आपने सोचा था कि 5 साल के बाद आएगा, वो टेंशन 1 या 2 साल के बाद आ गया। उन्होंने लोन, ये इन्होंने कहा अभी छोड़ दो यार, वो सब नहीं चाहिए, या तो आप लोन कैंसिल कर, हम लोन टर्मिनेट कर देंगे, हम टर्मिनेट कर देंगे, जल्दी करो, इस तरह का डिमांड आ सकता है। आप घबरा जाओगे, आपको पता नहीं है, आप बिल्डर से कहोगे तुमने, तुम्हारी वजह से, तुमने ये सब पेमेंट टाइम पे नहीं किया इसीलिए ये सब हो रहा है। बिल्डर कहेगा मैं यहाँ पे जिम्मेदार नहीं हूँ, बिल्डर वायर अग्रीमेंट के लिए मैं बंधित हूँ, बाकी जो करना है कर लो। तो ये सिचुएशन आ जाता है। और एक सिचुएशन ये आ जाता है, बिल्डर ने जो प्रॉपर्टी आपने सोचा था कि 5 साल के बाद खत्म होने वाला है, उसने डेट भी दिया था ऐसे ही कि बिफोर 31 दिसंबर 2028, आपने सोचा था टाइम है, वो उसको प्रीपोन कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कहोगे बिल्डर लेट करता है, जल्दी कैसे करता है यार, उसने आपके लिए एक ट्रैप सेट किया था। अचानक से 2026 एंड में वो कहता है मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, और उसने किया भी होगा, फास्ट काम चला लिया होगा, कंप्लीट कर दिया उसने, 2026 तक कंप्लीट कर दिया, तो उसका मतलब डिसबर्समेंट भी जल्दी जल्दी देना पड़ेगा आपको, आप डिसबर्समेंट जल्दी जल्दी दोगे। उसने इंटरेस्ट दिया, चलो मान के चलते हैं उसने आपका प्री ईएमआई का इंटरेस्ट पे किया, आप खुश हो, और अचानक से वो जो लोड है वो आपके कंधे पे आ गया 2026 में, 2028 के बदले, या उससे भी जल्दी आ गया, 2024 में आ गया, FI में आ गया। आप कहते हो यार मैं ये लोन बेयर नहीं कर सकता हूं, इतना बड़ा लोन, इतना बड़ा EMI, मैं नहीं कैपेबल हूं, मैं नहीं दे पाऊंगा, आपको देना ही पड़ेगा सर। आप अंदर चले गए हो, आपके कंधे पे जिस प्रॉब्लम को आपने दूर का सोचा था वो एकदम नजदीक आ गया है, और ये होता है। और ये खास करके किस टाइप के लोग इसमें फंसते हैं, बिजनेस प्रोफाइल के लोग, जिनका बिजनेस है, फॉर एग्जांपल एक केस आया था मेरे पास, एक होटेलियर था, एक होटेलियर फैमिली ने, उनको पता है कि उनको कितना इनकम आने वाला है, उनका रेवेन्यू स्ट्रीम कैसा है, वो एक जनरली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई हर साल हम 20 लाख बचा रहे हैं या 50 लाख बचा रहे हैं हर साल। तो उनको, उनका एक प्रोजेक्शन था कि भाई हम ये साल तक इतना दे सकेंगे, लेकिन सडनली डिमांड आ गया, भाई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, चलो पोजीशन ले लो, पोजीशन डिमांड, पोजीशन लेटर या पोजीशन डिमांड लेटर, इतना अमाउंट डिसबर्समेंट करो, पोजीशन ले लो। अरे इन्होंने कुछ और ही फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखा था। नहीं नहीं अभी वो सब तो तुम कह नहीं सकते हो ना, ये कहेंगे पोजीशन ले लो, लेना पड़ेगा। जैसे ही पोजीशन लेते हो पूरा लोड आपके ऊपर आ जाता है। और बिल्डर ने आपसे कहा था कि मैं प्री ईएमआई दे रहा हूं वगैरह, तो आपके ऊपर तब तक कोई लोड नहीं था, अचानक से फुल लोड आपके कंधे पे। आप पूरे लोन यानी कि 1090 ना, तो सपोज 90% या 80% आपका लोन था, तो 80 लाख के ऊपर जो भी लोन अमाउंट है वो अचानक से आपके कंधे के ऊपर, अब आप फंस गए।
फाइनेंशियली आप फंस जाते हो और आपका जो रेवेन्यू स्ट्रीम है उसके अंदर वो समा नहीं सकता है। तो बैंक कहेंगे सॉरी पैसे दो भाई, जल्दी दो, ईएमआई आप मिस कर रहे हो, नहीं तो बहुत ये हो जाएगा, हम टेक ओवर कर लेंगे प्रॉपर्टी को। बिल्डर पोजीशन दे रहा है, बैंक प्रॉपर्टी टेक ओवर करने जा रहा है, आप कहीं के नहीं रहे। अगर बैंक ने प्रॉपर्टी टेक ओवर कर लिया, बेचा, ऑक्शन में बेचा, आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, आप लॉस में रहोगे, बैंक अपना निकाल लेगा, आप लॉस में रहोगे। तो ये टाइप का सिचुएशन हो जाता है। यानी आपको अगर एक इल्यूजन था कि ये मेरे ऊपर बर्डन नहीं आ रहा है इसलिए मैं ये डील में एंटर कर सकता हूं, तो एक इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन है, द नैरो एंड ऑफ द वेज या थिन एंड ऑफ द वेज। वेज क्या होता है कि एक लकड़ी को ऐसे फाड़ने के लिए ट्रायंगल शेप का और एक लकड़ी होता है, खूंटी जिसको कहते हैं शायद, कि उसको हथौड़े से ठोक ठोक के एक क्रैक के अंदर डाल देते हैं ताकि क्रैक वाइड हो। ऐसे क्रैक को खुला रखने के लिए वेज को ठोकते हैं अंदर, ये पतला एंड पहले अंदर जाता है फिर चौड़ा एंड जाता है, तो उसको चौड़ा कर देता है। तो ये चीज है ना, आपको चौड़ा करने वाली चीज है। पहले वो 10% अंदर घुसेगा, फिर 10 आपको फाड़ देगा, 10 से 20 और 20 से 90 जब पहुंच जाएगा ना, आप फट जाओगे या आपकी फट जाएगी।